दोस्तों, अगर किसी की आवाज बहुत ही बेहतरीन है, वो अपनी बात को दूसरों तक बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझा देता हो, अगर वह YouTube पर आकर के वीडियो बनाता, अगर वो सफल हो जाता है YouTube पर, इतनी हैरानी नहीं होती। हमें पहले से पता हो जाता है कि वो अच्छा बोलता है, वो अपनी बात को दूसरों तक अच्छे से पहुंचा देता है, सफल हो जाता है, तो हमें ज्यादा हैरानी नहीं होती। हैरानी तब होती है जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे हर शब्दों में बोलते समय संघर्ष करना पड़ता हो, जो हर शब्द में अटक कर बोलता हो, जो बोलते समय भयभीत रहता हो, कम पढ़ा लिखा हो, जिंदगी घूट कर जीता हो। ऐसा व्यक्ति अगर YouTube पर वीडियो बनाए और सफल हो जाए, तब हैरानी से होती है, आश्चर्यचकित होता है कि आखिर कैसे संभव है। नमस्कार, मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने क्लाइंट राजेश साव जी के बारे में, जो कि वो एक ट्रक ड्राइवर हैं। मैंने उन्हें स्पीच थेरेपी का ट्रेनिंग दिया था। उनकी आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि अपनी आवाज़ पर काम कर पाएंगे, और वो एक ट्रक ड्राइवर भी थे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सीरियस होकर के थेरेपी लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, और उनकी आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट इनके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उनकी स्टैमरिंग ऐसी थी मैं खुद देखकर हैरान हो जाता था। बोलते समय उनकी आंखें बड़े बड़े हो जाती थी, अजीब सा लगता था उनका चेहरा। मुझे लगता था कि 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगी इनको ठीक होने में, ओवरकम होने में। लेकिन मैं आश्चर्य तब हो गया जब उन्होंने 1 महीने के अंदर अपनी आवाज को बेहतरीन बना लिए और YouTube पर खुद से चैनल बना लिए। मैंने सिर्फ उनको यह एडवाइस दी थी, राजेश जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं और ट्रक ड्राइवर हैं, आपको घूमने का मौका मिलता है, इतनी दूर दूर तक जाते हैं, ब्लॉग टाइप वीडियो बनाइए, आपका मन उसमें बहला रहेगा। आप फैमिली वाले को छोड़ करके आप रहते हो, थोड़ा सा वीडियो बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी आवाज़ भी बेहतर होगा, बोलने के लिए एक मंच चाहिए होता है, प्रैक्टिस होती है हमारी, वीडियो बनाइए। उन्होंने मेरी बात को माना, खूब कड़ी मेहनत की। उनकी कड़ी मेहनत को देख कर कि मैं भी बहुत कुछ सीखता। एक ट्रक ड्राइवर जो ट्रक में अकेला रहता हो, कोई खलासी न रखता हो, और इतनी मेहनत करता है खुद से, ट्रक जब लोडिंग हो जाती है खुद से क्या बोलते हैं रस्सी बांधना अकेले कर लेता है, खुद से टायर खोल लेता है, इतनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है, ट्रक के साथ ट्रक बनना पड़ता है, लेकिन तो भी समय निकाल कर वीडियो बना लेना, एडिटिंग कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। मैं खुद वीडियो बनाकर जब एडिटिंग करता हूं ना, 2-3-4 घंटा लग जाता है। वो कहाँ से समय निकाल लेते हैं, कैसे वीडियो बना लेते हैं, बहुत कुछ सीखने को है उनसे। चलिए उनके वीडियो देखते हैं। चलिए चलते आप लोग साथ शेयर करते हैं हर महादेव लग जाओ। जब बोलते थे ना तो लोग हंसता था, मजाक उड़ाते थे मेरी बात को, मैं पहले बहुत हकाते थे, स्टमरिंग मैं आज मैं बोलता हूँ, मैं किसी को देखकर भाई लोग यूट्यूब पे नहीं आया हूँ, मैं किसी को देखकर यूट्यूब पे नहीं आया हूँ। मेरा एक अमित सर है, वो स्टमरिंग का क्लास देते हैं, वो कोर्स देते हैं, तो उन्हीं ने मैं बात करने का था ना, स्टाइल जो लहजा, तो अमित सर बोला रहे जी आप बहुत अच्छी अपनी बात को रखते हैं लोगों के सामने, आप यूट्यूब पे ना ब्लॉग बनाइए, समझे। तो अमित सर ने मुझे बोले आप ब्लॉग बनाइए, तो मैं कब होकर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए, तो सब उनका मेहरबानी है। तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट से आप लोग का, आपका भाई का पैसा आ गया है, और पैसा मेरा नहीं है, पैसा आप लोग का है, इसमें से कुछ पैसा
जरूरतमंद होगा उनको मैं हेल्प करेंगे। दही बड़ा बिक रहा है, दही बड़ा खा लेते हैं क्योंकि भूख लग गया है। अभी टाइम बच गया है, 2:30 बज गया है जी। पाला माखी जो माँ के खांग खाते महाकाल हरिये गुरु दाता थे। क्या बोलिएगा? जय श्री राम। जय श्री राम। उड़िया को बोलिए जो खाना कौन सा पहनू। उड़िया में बोल रहे है सब बन गया बड़ा सही। हेलो आपका भाई आ गए हथावीरा और यहाँ पे एटीएम है, चले चलते हैं पैसा निकाल के लाते हैं। आ देखिए अंगूर गाड़ी आ रहा है, आज देखिए अंगूर उड़े, चलते हैं पैसा निकाल के आते हैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उस सामने में एटीएम है, इसमें भी आ गया, देखते हैं पैसा इसमें है कि नहीं एटीएम में। फर्स्ट पेमेंट आपका भाई का यूट्यूब का है, पैसा है आदमी है इसमें। हेलो भाई, हेलो आपका भाई आ गया एटीएम में से पैसा निकाल कर। पैसा निकाल कर मजा आया, आज दिल खुश हो गया। ले लो आप लोग दिखाते हैं कितना पैसा है आपका भाई का यूट्यूब से। देखिए हेलो आप लोग के, हेलो आशा था आप लोग भी बहुत चीज से कमेंट कर रहे थे भैया पैसा आया कि नहीं, आया कि नहीं, कब आएगा। बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे थे, बाकी फाइनली आप लोगों को प्यार से आ गया है। अब देखिए अच्छा इतना पैसा आया है, 500 का नोट है, सब 500 का है। तो ऐसे भाई लो मैं तो आज के समय में राजेश जी अपनी आवाज को बहुत ही हद तक बेहतरीन बना लिए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और जिनकी आवाज को लेकर के उनका मजाक बनता था आज उन्हीं आवाज के लोग फैन हो गए हैं, तारीफ करते हैं। उनके कमेंट में देखता हूँ काफी खुश होता हूँ। जिन कमजोरी से वो बहुत डरते थे उसी कमजोरी को शक्ति बना करके वही आवाज अब पैसे ला करके दे रहा है, उनकी एक इनकम की स्रोत स्टार्ट कर दिया है उनकी आवाज। जिन आवाजों से राजेश जी बहुत नफरत किया करते थे वो खुलकर हंसते नहीं थे, अब खुल करके वीडियो बना रहे, खुल के हंसते भी हैं। तो इससे ये सीख मिलता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ कड़ी मेहनत करो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने कमियों पर काम अगर करो तो अपने कमियों को दूर कर सकते हो। आप सोचते हो कि पहले मैं अपने कमियों को दूर करूं, फिर मैं एक वीडियो बनाऊं, फिर मैं बिजनेस करूं, जॉब करूं, ऐसा नहीं करना। शुरू कर दो, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, बिजनेस पे ध्यान दीजिए, साथ साथ में अपने आवाज पर भी ध्यान दीजिए, अपने कमियों को दूर करिए। दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिन साथियों के पास पैसों के अभाव के कारण वो स्पीच थेरेपी नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे स्पीच थेरेपी वाले को वो फ़ोन करते हैं तो फीस सुन करके बहुत ही परेशान हो जाते हैं, वो लेना तो चाहते हैं लेकिन फीस की वजह से वो पीछे हो जाते हैं। तो मैंने एक 7 डेज का स्पीच थेरेपी कोर्सेस लॉन्च किया है और 7 डेज में ऐसा नहीं कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन हाँ आपको एक तरीका मिल जाएगा कि अपने ऊपर कैसे हमें काम करना है, अपनी आवाज़ के ऊपर कैसे काम करना है। जो मैं 50 दिन की थेरेपी में एक एक प्रोसेस को बताता हूँ वो 7 दिन बता करके कंप्लीट कर देता हूँ, आपको एक आइडिया मिलता है। तो आप उसी आइडिया को ले करके अपने ऊपर काम करो तो बहुत ही जल्दी आप भी अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर पाओगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों कमेंट करें, और आपके कमेंट को देख करके मैं खुद मोटिवेट होता हूँ और वीडियो इसी तरह बनाने का मेरा दिल करता है। सभी का मंगल हो।